तो लो कॉस्ट टैंक में खर्चा ज्यादा होता है, मानते हो क्या? चलो देखते रहो। आज ये वीडियो ना बहुत सिंपल वीडियो है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक, लो कॉस्ट में खर्चा कैसे ज्यादा होता है, और जीरो कॉस्ट में एक टैंक को क्लीन करना और मेंटेन करना और क्लीन रखना कैसे है। हर चीज लो कॉस्ट पे मत तोलो। आप जब लो कॉस्ट कोई लेके आते हो तो वो खराब होता है, नुकसान आपको है। वो आप पैसा खर्च करोगे, लेके आओगे, खराब हो जाएगा, फिर से पैसा खर्च करोगे तो एक्चुअली महंगा पड़ता है आपको। तो ये लो कॉस्ट के पीछे मत भागो। मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपके पास पैसा कम है ना, तो थोड़ा और बचाओ, अच्छा एक्वेरियम लो, आपको लंबा चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एडीए खरीदो या कुछ और खरीदो, ऐसा चीज खरीदो जिसमें आपको वारंटी मिले, आपको लाइफ मिले। आप लो कॉस्ट के चक्कर में सस्ता खरीद लेते हो और खराब हो जाता है, नुकसान आपका। ठीक है, तो लो कॉस्ट के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो, हमेशा ये याद रखो। ठीक है, बहुत लोग मेरे को मैसेज करते कि लो कॉस्ट ये, लो कॉस्ट वो, लो कॉस्ट ये, लो कॉस्ट वो, मेरे को बुरा लगता है, एक्चुअली बुरा लगता है आंसर देते टाइम, कि आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो। आप घर बनाते टाइम या कोई भी चीज आपके घर के लिए, आप जाके दुकान में पूछते हो क्या मेरे को लो कॉस्ट चावल देना भैया, उतना बस है यार? कुदरती चीज है, क्वालिटी यूज करो तो क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। और कहां आपको एक्सपेंसिव लग रहा है इज बिकॉज आपका जानकारी कम है। किसी का बात सुन के ये एक्सपेंसिव है, ये महंगा है मत करो। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस जानना है तो जानो ना, फोन करो, ऑनलाइन चेक करो और पहचानो उसका सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइट एडीए का कुछ 12-13 हजार है, लेकिन 10 साल का वारंटी है, 10 इयर्स, तो वो महंगा है कि सस्ता है, आप डिसाइड करो। वही आप कोई भी लाइट उठा के लेके आओगे दुकान से, एक दिन का वारंटी नहीं मिलता है आपको कोई भी, तो वो सस्ता है या महंगा है, ये आपके ऊपर। तो आज 5 ऐसे नुस्खे जिसमें आपको खर्चा कुछ नहीं, बचत ज्यादा और टैंक मस्त क्लीन रहेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या है वो 5 ऐसा चीज। तो पहला, ज्यादातर हम हैंग ऑन बैक फिल्टर्स यूज करते हैं, स्मॉल साइज या मीडियम साइज टैंक्स के लिए। हैंग ऑन बैक या एक्सटर्नल फिल्टर्स बहुत जरूरी है। अंदर का पावर फिल्टर, ये सब स्पॉन्ज फिल्टर ज्यादा काम नहीं करते। अगर बेयर बॉटम टैंक है स्पॉन्ज फिल्टर ठीक है, श्रिंप टैंक है स्पॉन्ज फिल्टर ठीक है, लेकिन ज्यादातर प्लांटेड टैंक के लिए प्लीज हैंग ऑन बैक या एक्सटर्नल फिल्टर यूज करें। और इसके अंदर बहुत सारा मसाला आता है, इसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है, वो फिल्टर पैड ये सब आता है, वो एक्चुअली काम का नहीं है। उसे निकाल दो और बायोरियो फिल्टर मीडिया सबसे बेस्ट।
कचरा सब निकाला, इसको पोटली में डाल के अंदर डाल दिया और बंद कर दिया। आपका फिल्टर डबल इफेक्टिव हो गया, मतलब जो इसका पुराना पैड वगैरह था, अगर वो आपको थोड़ा साफ पानी दे सकता था, समझो 50%, ये आपको 90% साफ पानी देगा। अब आप मेरे को पूछोगे कि सर बायोरियो महंगा है, एडीए है, एक्सपेंसिव है। भाई महंगा नहीं है, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। बायोरियो जो है वो लाइफ टाइम के लिए है, जिंदगी भर के लिए, इसको कभी बदलने का जरूरत नहीं है। सिर्फ वॉश करके, वो भी टैंक के पानी से वॉश करके यूज करने की जरूरत है बस। तो जब तक आपका प्लांटेड एक्वेरियम या कोई भी एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, बेयर बॉटम एक्वेरियम, जहां पे आपके पास अच्छा फिल्टर है, बायोरियो यूज करते रहो। मैं अपने एक्वेरियम, ये वाले एक्वेरियम में जो बायोरियो है वो 4 साल से चल रहा है। और मेरा फेवरेट वाला एक्वेरियम मालूम है ना आप सबको, बॉलबाइटिस वाला, 10 साल से बायोरियो चल रहा है, सेम मीडिया, मैंने बदला नहीं है, सिर्फ वॉश करके रीयूज किया है। तो अब आप बताओ ये सस्ता आइडिया हुआ कि नहीं, पानी क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए। स्टेप वन, तो ये टैंक में देखो पानी कितना साफ है, और इसमें हैंग ऑन बैक फिल्टर है, और फिल्टर के अंदर थोड़ा सा स्पॉन्ज और नीचे बायोरियो, और कोई भी चीज नहीं है फिल्टर का, और पानी क्रिस्टल क्लियर। आइडिया वन, बायोरियो फिल्टर में। आइडिया 2, 3, 4 और 5 के लिए पूजा मैडम आएंगी। पूजा मैडम आपको दिखाएगी कि ये आइडियाज कैसे काम होते हैं। ओके चलो, तो दूसरा आइडिया है आपका कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का प्लास्टिक क्वालिटी जो है अच्छा होता है, और ग्लास क्लीन करने के लिए काम आता है। अंदर से ग्लास जब क्लीन करना चाहो तो क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है। ओके तो जब आप क्रेडिट कार्ड को एक एंगल में पकड़ते हैं और ग्लास के अंदर आप साफ करोगे, ठीक है, आराम से जब आप करोगे तो ग्लास में जो भी एल्गे है या कचरा है वो निकलते जाएगा। एक एंगल में पकड़ना बहुत जरूरी है, और आप नीचे तक जा सकते हो तो इजीली साफ होगा। ये पूजा मैडम ने एक 45 डिग्री एंगल में पकड़ा है उसको, और देखो एक्चुअली ग्लास में उतना कचरा नहीं है, बट फिर भी साफ होते जाता है। दिस इज अ वेरी गुड एंड इजी आइडिया टू क्लीन द ग्लास, ठीक है। तीसरा है आपका कोई भी पुराना टूथब्रश, कोलगेट, टिंग टोंग, अच्छा ये ओरल भी है, सॉरी रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट, बट टूथब्रश काम आता है ग्लास के कोने में क्लीन करने के लिए, और स्टोन के ऊपर या वुड के ऊपर ब्रश करने के लिए ताकि कचरा निकल जाए। ज्यादातर हम देखते हैं कि ग्लास के कोने में कचरा जाके जम जाता है, तो ये टूथब्रश जो दांतों के कोने में जाके साफ कर सकता है, वो ग्लास के कोनों में भी जाके साफ करेगा, और वो जो कचरा है, जो एजिस पे कचरा है, वो सब निकल जाता है। और अगला जो है टूथब्रश काम आता है स्टोन्स को साफ करने के लिए, ये देखिए स्टोन भी साफ हो रहा है। अभी ये टैंक में थोड़ा डायोटम है, अच्छा है, आपको भी साफ होते दिखेगा, तो आप आराम से ब्रश कर सकते हो। सेम आप वुड में भी ब्रश कर सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ थोड़ा डायोटोम है, टूथब्रश में ब्रश किया और वो डायोटोम सब निकल गया। चौथा है
पतला सा पाइप, ये जो पाइप है आपके छोटी उंगली जितना अगर पतला है, ठीक है, या उससे भी कम तो बेटर है। पतला पाइप क्या करता है, बहुत अंदरूनी कचरा निकलता है स्टोन्स के बीच में, ठीक है, और प्लांट के बीच में और छोटे छोटे वो जो कोनों में, वो सब कचरा निकालेगा और ये बहुत काम आता है साफ सफाई के लिए। आपके अगर छोटी उंगली जितना पतला है तो ये पाइप ज्यादा काम आएगा। तो चलो, पूजा मैडम का उंगली बहुत ही छोटा है, फिर भी पहले हम पानी निकालेंगे और इसके लिए थोड़ा सा लिली पाइप में लगा दिया और पानी बाहर, और इसमें से कचरा निकालेंगे। ये थोड़ा कचरा है, देखो डायोटोम है, इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो भी है वो सब साफ हो जाता है छोटे पाइप में। थोड़ा सा अगर सैंड निकलता है तो नो प्रॉब्लम, वो बाद में हम लोग बकेट से निकाल सकते हैं। छोटा पाइप कोनों में पत्थर के बीच में, यहां सब जाएगा और वहां से कचरा उठाएगा, एंड ये अच्छा काम करता है। प्लांट्स के बीच में भी जाएगा, थोड़ा आप अपना हाथ हिलाओगे और जो भी कचरा है वो निकल जाता है। ओके, पांचवा और आखिरी आइडिया आज का, आज का खबर। आज हम यूज करेंगे एक न्यूज़पेपर टैंक का ग्लास साफ करने के लिए। तो आज का खबर, थैंक यू, पेपर को फाड़े, पानी छिड़के ग्लास के ऊपर और साफ करें। ग्लास अच्छा साफ होता है, स्क्रैच नहीं होता है। और अगर आप कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, कपड़े के रेशे जो है उसमें कुछ ना कुछ रह सकता है, कंकर रह सकता है, ग्लास स्क्रैच हो सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर में वो होता नहीं है। न्यूज़पेपर बहुत काम आता है, सिर्फ न्यूज पढ़ने के लिए नहीं, टैंक साफ करने के लिए भी। ओके, ठीक है, तो ये वाला टैंक अपना जो सेटअप किया था हमने, रिवर स्टोन्स वाला सेटअप, वही है। ये अभी एक हफ्ता कुछ हुआ है, ठीक है, एंड इसमें डायोटोम है, हमने श्रिम्प ऐड किया है और थोड़ा पर्पल एम्परर टेट्रा ऐड किया है, वो आप देख ही रहे हो। तो ये पांच नुस्खे मैंने सोचे ये टैंक में आजमाया जाए, आपको दिखाया जाए, एंड ये छोटे छोटे इजी आइडियाज है जो किसी के भी काम में आता है और कोई भी एक्वेरियम में काम आता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड आपका फिश एक्वेरियम में भी काम आ जाएगा, न्यूज़पेपर भी काम आएगा सामने ग्लास साफ करने के लिए, टूथब्रश भी साइड में कोने में सब जगह साफ करने के लिए, वुड साफ करने के लिए काम हो जाता है। छोटा पाइप जो है बहुत ईजी होता है फिश का कचरा वगैरह निकालने के लिए, फटाफट निकल जाता है। बड़े पाइप में पानी ज्यादा जाएगा तो वाटर चेंज ज्यादा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा, छोटे पाइप में पानी कम जाता है लेकिन कचरा ज्यादा जाता है। तो ये इजी और कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए भी, और अगेन लो कॉस्ट के पीछे मत भागो, वो लो कॉस्ट के पीछे मत भागो, वो आमिर खान ने बोला है ना 3 इडियट्स पिक्चर में, ठीक है, सक्सेस के पीछे मत भागो। सक्सेस मेरे को हाँ प्लांटेड एक्वेरियम बनाना है, लो कॉस्ट में बनाना है, उसके पीछे मत भागो, एक्सेलेंस क्वालिटी के पीछे भागो, और सक्सेस साली जक मार के पीछे पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है। क्वालिटी पे ध्यान दो, पैसा कम है तो पैसा जमा करो, ओके, वो जरूरी है, वो लो कॉस्ट में आपका नुकसान है, नुकसान अपना मत कराओ, ठीक है। और अगर कोई बोल रहा है कि भाई ये आपके लिए अच्छा है तो सुनो बात, समझो बात,
ऐसे ही मत बोल देना हाँ सब महंगा बेच रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बेचूं या ना बेचूं मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां लेकिन आपने मेरे से अगर थोड़ा भी कुछ सीख लिया ना तो आपके हॉबी में बहुत फर्क पड़ेगा, पड़ेगा जरूर। अगेन लो कॉस्ट के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे पड़ेगी, ठीक है। तो एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको मजा आया, कुछ सीखने को मिला, एंजॉय किया, और मैं विदा लेता हूं कैमरा वुमेन पूजा मैडम के साथ। बहुत जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शब्बा खैर। हॉबी एंजॉय करते रहो, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटे छोटे नुस्खे बहुत काम आते हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा नॉलेज, ठीक है। बाय बाय। तो ये पानी गंदा है, मोटर चालू है, गंदा पानी इसमें से निकल के एले वाटर के अंदर जाके यहां पे गंदगी साफ हो रहा है, यहां पे गंदगी साफ हो रहा है, यहां पे क्लोरीन साफ हो रहा है, और यहां पे साफ पानी निकल के बाहर आ रहा है।